Very good morning, class. How are you all? I hope all of you are very fine in your homes. Students, हमने question answer वाला सारा part कर लिया था और मैंने आपको question answer का PDF भी send कर दिया है. अब हम लोग exercise करेंगे. Student, take out your book and open page number 21. सभी ने page number 21 open कर लिया? स्टूडेंट्स पेज नंबर 21 पे आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी पे. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी क्या है? चूज द करेक्ट आंसर. मिल गया सभी को बुक में? चूज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर वन रीड करिए. द कंटेंट ऑफ ढोकला आर ऑब्टेन फ्रॉम. ढोकला का कंटेंट जो है वो किससे ऑब्टेन होता है बताइए? प्लांट से, एनिमल से, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या प्लांट एनिमल दोनों से, या फिर बताइए, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं. स्टूडेंट्स बताइए. वेरी गुड. प्लांट्स पे टिक करिए. क्वेश्चन नंबर वन के ए पे टिक करिए, प्लांट पे. सभी ने टिक कर लिया. वेरी गुड. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पे. अ हर्बीवोर कंज्यूम्स. हर्बीवोर क्या कंज्यूम करते हैं बताइए? मैंने बताया था हर्बीवोर्स क्या होते हैं. प्लांट ईटर्स आर हर्बीवोर. तो क्या कंज्यूम करते हैं? ओनली प्लांट्स, या प्लांट्स ओनली. तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन के ए वाले पे, ए वाले ऑप्शंस पे टिक का मार्क लगाएंगे. तो प्लांट ओनली पे टिक करिए. वेरी गुड. आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड है द पार्ट ऑफ कैरेट वी ईट इज. कैरेट का कौन सा पार्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं या जो हम ईट करते हैं बताइए? लीफ है, स्टेम है, फ्रूट है, या फिर रूट? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है रूट. तो आप रूट पे टिक करिए स्टूडेंट्स. देन आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर पे. एंड ओमनीवोर अमंग द फॉलोइंग इज. इन सब में से ओमनीवोर कौन सा है उस पे टिक करिए. ओमनीवोर कौन सा है बताइए? काऊ है, रैबिट है, डियर है. आपको पता है ये तीनों हर्बीवोर हैं. तो ओमनीवोर कौन है? बियर. क्यों है? क्योंकि ये फ्लैश भी खाता है और आपने देखा होगा ये हनी खाता है, ठीक है ना? हनी ये सारी चीज़ें खाता है ना, और प्लांट्स को भी खाता है. तो फिर इसे हम लोग ओमनीवोर में रखेंगे. हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम. हनी जो है वो किससे प्राप्त होती है या किससे मिलती है बताइए? प्लांट से, एनिमल से, मार्केट से, या फिर बोथ ऑफ दीज से, या प्लांट एनिमल दोनों से? किससे? एनिमल से मिलती है ना. हनी भी क्या है? एक एनिमल ही तो है. हालांकि इसको हम लोग इंसेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं लेकिन प्लांट्स तो नहीं कह सकते, इसलिए इसका कैटेगराइजेशन एनिमल के अंदर आता है. तो एनिमल्स पे टिक करेंगे. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ई पे. क्वेश्चन नंबर ई क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स. सभी को मिल गया? स्टूडेंट्स ओपन करिए पेज नंबर 22. 22 पे क्वेश्चन नंबर ई है, फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट वाला क्या है? अ डैश ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कौन अदर एनिमल का फ्लैश ईट करते हैं? तो कार्निवोर. फिल करिए फर्स्ट वाले में कार्निवोर. ओके, फिल कर लिया आपने. देन सेकंड वाले में देखिए, आपको दो ब्लैंक्स दिए गए हैं. फर्स्ट वाले ब्लैंक में आप लीव्स फिल करिए, देन सेकंड वाले ब्लैंक में आप सीड्स फिल करिए. तो सेकंड वाला हम रीड कर लेते हैं. द लीव्स एंड द सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट आर यूज्ड एज फूड. मस्टर्ड प्लांट का क्या होता है? लीव एंड सीड जो है फूड के तौर पे यूज होता है. देन थर्ड वाला देखिए, स्पाइसेस आर यूज्ड टू ऐड. स्पाइसेस जो है क्यों ऐड की जाती हैं बताइए स्टूडेंट्स? किसी भी फूड कंटेंट में, फूड आइटम में जो है स्पाइसेस क्यों ऐड की जाती हैं? टू ऐड फ्लेवर. किस लिए? फ्लेवर ऐड करने के लिए, एक स्पेसिफिक टेस्ट ऐड करने के लिए, स्पेसिफिक एरोमा ऐड करने के लिए, ठीक है. बीज क्या कलेक्ट करती हैं? डैश फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इनटू डैश. मतलब कि बीज जो हैं वो फ्लावर से क्या कलेक्ट करती हैं और उसे किस में कन्वर्ट करती हैं? तो बीज जो हैं वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उसको
हनी में कन्वर्ट करती हैं। तो फर्स्ट फोर्थ वाले के फर्स्ट वाले ब्लैंक में हम लोग नेक्टर फिल करेंगे, देन सेकेंड वाले ब्लैंक में हम लोग हनी फिल करेंगे। देन आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे, स्केवेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ। स्केवेंजर्स किसका फ्लैश ईट करते हैं? डेड एनिमल्स का। तो फिफ्थ वाले में आप डेड फिल करेंगे। बहुत अच्छे, ई वाले क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए, सारे ब्लैंक्स को फिल कर लीजिए जिस तरह मैंने फिल करवाया है। देन आ जाइए क्वेश्चन एफ पे। आपका क्वेश्चन एफ है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट रीड करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। क्या सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं? बिल्कुल सही, सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जैसा फूड तो कंज्यूम नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट वाले में आप ट्रू लिखिए, देन सेकंड रीड करिए। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर एडिबल टू अस। प्लांट के सारे पार्ट हमारे लिए एडिबल होते हैं? नहीं। अगर आपने एक प्लांट लगाया है तो क्या उसके स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स सभी एडिबल होते हैं? नहीं होते ना। तो देन आप जो है वो सेकेंड वाले में फॉल्स लिखिए। थर्ड है वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम फ्रॉम प्लांट। क्या हम ज्यादा से ज्यादा फूड आइटम जो है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? हाँ बिल्कुल सही। तो देन आप थर्ड वाले में लिखिए ट्रू। सभी ने लिख लिया है। देन आ जाइए फोर्थ पे। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड वी ईट इज हिडन एज अ मस्कुलर एनर्जी। जो भी हम लोग एनर्जी गेन करते हैं फूड आइटम से वो कहाँ? मसल्स में ही तो स्टोर रहती है मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में। तो इसमें आप लोग ट्रू लिखिए। फोर्थ वाले में आप ट्रू नोट करिए। देन आ जाइए फिफ्थ वन पे। वी गेट मोर वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स देन प्लांट्स। क्या हम लोग एनिमल्स से प्लांट से ज्यादा वैरायटी के फूड आइटम्स गेन करते हैं? नहीं ना। तो देन फिफ्थ वाले में आप लिखिए फॉल्स। स्टूडेंट्स यहीं पे ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इट मींस कि ये चैप्टर जो है वो आपका फुल्ली कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स ये वर्क आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। देन मैं आज आपको एक होमवर्क दे देती हूँ लर्न करने का। आपका होमवर्क है SW, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपका होमवर्क है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको लर्न करना है। लर्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर वन। चैप्टर वन के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। स्टूडेंट्स आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो आप मैसेज और कॉल के थ्रू पूछिए, आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।